Dear students, In today class, we are going to study about K-MAP. The full form is Karnaugh MAP, which is one of the most important topic of this unit. Unit 4 ka ye sabse important topic mana jata hai. So, emerging domain in electronics engineering ke under mein, aaj hum log K-MAP padhenge. Aur K-MAP ko hum basic se janenge. K-MAP kya hota hai? Sare variables, 2 variable, 3 variables, 4 variable, 5 variable, इस तरीके से हम जो के मैप है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक्स ऑफ के मैप से. सो जैसा कि हम जानते हैं कि के मैप जो है, के मैप का जो फुल फॉर्म है यानी कि के मैप को हम जो एब्रिविएशन है वो क्या है, करनाऊ, के ए आर एन ए यू जी एच, करनाऊ मैप. बट इसको मोस्टली हम लोग के मैप से ही प्रोनाउंस करते हैं. अब है क्या ये के मैप, पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं के मैप के बारे में. तो के मैप जो है एक मेथड है. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन. क्लियर है? यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का ये एक मेथड है. एक और चीज, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने ज्यादातर हमें बुलियन एलजेब्रे की जरूरत नहीं पड़ती है. यानी कि ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है. नाउ इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ग्राफिकल टेक्निक्स है. इट इज नथिंग बट इट इज के मैप इज ए ग्राफिकल चार्ट विच कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स. ओके, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज अ ग्राफिकल मेथड टू minimize या simplify, we can say it is a graphical method to minimize or simplify the boolean expression. It consists number of cells depending upon the variables, the binary variables, we can say variables in matrix form. तो अब ये the number of cells required for the K-MAP simplification is 2 to the power n, यानी कि इक्वल टू 2 to the power n, where n is nothing but variables like 0, 1, 2, 3. This is nothing but variables. 2 variable, 3 variables, 4 variables and 5th variable. तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ के मैप, यानी कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ के मैप का दिखता कैसे है, कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसका, और ये हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल्स. जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट टू वेरिएबल के मैप. तो 2 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले देखते हैं इसके नंबर ऑफ सेल्स कितने चाहिए. तो वी नो दैट कि नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 to the power n, यानी कि 2n की जगह पे हो गया 2, सो नथिंग बट 4. सो द के मैप सिंप्लीफिकेशंस के लिए ये जो इसका जो लुक, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा. यानी कि ए बी कैसे भी लिख सकते हो, बी ए बी इधर, ए इधर, नो इशू एट ऑल, बट दिस इज द स्ट्रक्चर. यानी कि इस तरीके से 0, 1, 0, 1. ओके, जहां पे कि ये जो ए एंड बी जो है, लेट मी शो यू, A and B are variables. These are nothing but
वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, और जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर जो सेल्स हैं, ये सेल्स ये रिप्रेजेंट, इसके अंडर में जो है हम आउटपुट वैल्यू रखते हैं, यानी कि दिस सेल्स जो है ये है सेल्स, इसको सेल्स। नाउ अब इसके बाद अगर हम थ्री वेरिएबल्स की बात करें, थ्री सेकेंड नंबर थ्री वेरिएबल के मैप, तो थ्री वेरिएबल में नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, लेट मी शो यू, थ्री वेरिएबल के मैप, तो थ्री वेरिएबल के मैप में एज वी नो दैट कि यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2^3 नथिंग बट 8 हो जाएंगे। सो अब 8 सेल्स बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए 8 सेल्स जो है हम ऐसे भी बना सकते हैं, दिस द स्ट्रक्चर, कि दो सेल्स, दो 1, 2, 3, 4, और यानी कि इसको ए और हमने इधर बी सी रख दिया, ओके। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वर्टिकली बना सकते हैं ए बी सी, ए बी सी का कोई फिक्स ये नहीं है, आप ए बी इधर भी रह सकता है, सी उधर रह सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बट हम लोग प्रेफरेंस जो देंगे जो इस सॉल्यूशंस में वो इसको देंगे, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली लुक्स क्वाइट सिंपलर, यानी कि थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इस पर कि हमें इसे जो थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, बिकॉज फोर वेरिएबल में भी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वन, वी आर गोइंग टू प्रेफर इन दिस क्लास, हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, ओके। नाउ अभी हमें पता है कि इधर ए है, तो ए वेरिएबल इधर 0 and 1, लेकिन इधर बी और सी दो वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू 0, 0, 0, 1, लेकिन बाइनरी में जो 1, 0 लिखते हैं वहां पे 1, 1 and 1, 0, जो कि नथिंग बट ग्रे स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन एज पर सेवरल थ्योरी इसको ये इसलिए बोला गया है 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल चेंजेस हैं दो कंटिन्यूअस एडजेसेंट सेल्स के बीच में, वो 1 का होना चाहिए, जैसे 0, 0 एज इट इज है, 0 यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 0, 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 एज इट इज है, यानी कि 1 का चेंजेस है, 1, 1 and 1, 0 में भी 1 का चेंजेस है, लेकिन अगर मैं 1, 0 को पहले और 1, 1 को बाद में रखता हूँ तो कंटिन्यूअस यहाँ पे दो चेंजेस आ जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट, नो इशू। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे 0, 1 और 1, 0 करेंगे तो 0 converted to 1 and 1 converted to 0, सो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो गया, दो चेंजेस आ गए। तो एज पर सेवरल थ्योरीज एंड सेवरल यू नो एक्सपर्ट, दे टोल्ड दैट कि दोनों के बीच में अगर हमें सिंप्लीफाइड के मैप का बुलियन एक्सप्रेशन लेके आना है, तो दो कंटिन्यूअस सेल्स के बीच में, दो कंटिन्यूअस के बीच में ओनली 1 का चेंजेस आना चाहिए, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 के तौर पे। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जो ए बी सी की जगह पे, क्योंकि इधर दो वेरिएबल होगा, अब इधर दो वेरिएबल, यानी कि इस साइड में ए बी वेरिएबल होगा और इधर बी सी वेरिएबल होगा, ओके। सो नाउ अब इसमें क्या होगा, सॉरी ए ए बी हो गया तो लास्ट में सी बचा, ए बी एंड दिस इज नथिंग बट सी। सो अब सी का मतलब ये 0 and 1 सी के लिए हो गया, और यहां भी फिर 0, 0, 0, 1, और यहां पे क्या आ जाएगा 1, 1 and 1, 0। तो ये टू वेरिएबल का स्ट्रक्चर, थ्री वेरिएबल का स्ट्रक्चर, यहां भी ए बी सी, और हाँ ये ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, या तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन पर नहीं डिपेंड है तो अपने मर्जी से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे ले सकते हैं, बट ज्यादा आसान है कि इधर ए और इधर बी सी ले लें। नाउ थर्ड नंबर जो है फोर्थ वेरिएबल का, थर्ड नंबर यानी कि फोर वेरिएबल के मैप, तो फोर वेरिएबल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, यानी कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स इज इक्वल टू 2^4, यानी कि 16 होते हैं। नाउ अब जो इसका नंबर ऑफ सेल्स जो हम ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे वो इस तरीके से होगा, लेट अस सी, यानी कि इसके नंबर ऑफ फोर सेल्स इधर, यानी कि 4 row and 4 column, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, लेट अस सी। अब यहां पे जो वेरिएबल रखेंगे ए बी सी डी, ऑर्डर
कुछ भी हो सकता है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं ये ऑर्डर, लेकिन अगर हम खुद सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से रखेंगे ताकि हमें आसानी हो, अदरवाइज ऑर्डर की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, वही चलेगा, जीरो दो वेरिएबल है तो 00 01 11 10, यहाँ भी 00 01 11 10। तो ये सिर्फ हमने स्ट्रक्चर की बात की है, यानी कि कैसा दिखेगा, कैसा के मैप का स्ट्रक्चर होगा। ओके, नाउ जो सेकेंड स्टेप है, इसमें हम लेबलिंग कैसे करेंगे, इसको लेबल कैसे करेंगे, यानी कि सेकेंड थर्ड स्टेप में लेबलिंग ऑफ के मैप। ओके, तो लेबलिंग ऑफ के मैप, और कुछ हम लोग कुछ सॉल्व करके भी देखेंगे कि हम इसको कैसे लेबल करते हैं। तो लेबलिंग करने के लिए वापस मैं टू वेरिएबल से स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट टू वेरिएबल के लिए, टू वेरिएबल। तो इन टू वेरिएबल में पता है, अब इसमें लेबलिंग दो अलग अलग टाइप की होगी, लेबलिंग जो होगी वो इस तरीके से होगी, यानी कि एसओपी के लिए अलग और पीओएस के लिए थोड़ा सा अलग, यानी कि एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे हो गया पीओएस। तो लेट अस सी टू वेरिएबल एसओपी एंड पीओएस के, बड़ा सिंपल सा है, हमने क्या बनाया था इस तरीके से, ये चार सेल्स होंगे नंबर ऑफ सेल्स जस्ट बात किया था हमने, यहाँ भी पीओएस के लिए भी नंबर ऑफ सेल्स फोर होंगे। अंतर क्या होगा दोनों में, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम और ये सम ऑफ प्रोडक्ट है ना। तो ए बी 0101, यहाँ पे हमने रखा ए बी, यहाँ पे 0101। एज वी नो दैट इन केस ऑफ एसओपी, एसओपी में हम क्या करते हैं, मीन टर्म्स, एसओपी से क्या निकलता है मुझे, मीन टर्म्स निकलता है, और इन केस ऑफ मीन टर्म्स वन इज रिप्रेजेंटेड बाई किसी भी नंबर का विदाउट बार और जीरो इज रिप्रेजेंटेड विथ बार। और मैक्स टर्म में क्या करते हैं हम, ये पीओएस मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो इन केस ऑफ मैक्स टर्म वन इज रिप्रेजेंटेड विथ बार एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड विदाउट बार। ओके, तो यही चीज यहां भी करेंगे। अब बताइए इधर कौन सा वेरिएबल है, बी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो किसको, ये मीन टर्म्स के लिए क्या करेंगे, जीरो हो जाएगा बी बार और ये हो जाएगा बी, और इधर ये जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए यहाँ पे जीरो ए बार, यानी कि मीन टर्म्स में ये जीरो को ए बार और वन को ए से। अब अगर हम मैक्स टर्म की तरफ जाएंगे तो मैक्स टर्म में यही चीजें बदल जाएंगी, यानी कि अब जो ये बी है, ये बी का वेरिएबल है इधर बी जीरो एंड वन, तो हम बी यानी कि जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे विदाउट बार, यानी कि हो जाएगा बी और वन हो जाएगा बी बार। सिमिलरली यहाँ भी ए और ये हो जाएगा ए बार। नाउ अब जब हम काउंटिंग करें यहाँ पे देखें तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ जीरो है इधर जीरो है, तो बाइनरी जीरो जीरो बन गया, ये क्या बन गया जीरो वन बन गया, यहाँ पे जीरो और ये उधर वन है इस बॉक्स के लिए, सेकंड वाले के लिए। थर्ड सेल्स के लिए वन एंड जीरो बना, एंड फोर्थ सेल के लिए वन वन बना, यहाँ भी ऐसे ही होगा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू अगर डेसिमल के टर्म्स में लिखूं मैं, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जीरो जीरो के लिए क्या होगा वन, ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा सॉरी जीरो, डेसिमल इक्विवेलेंट वन, डेसिमल इक्विवेलेंट टू, डेसिमल इक्विवेलेंट थ्री। सिमिलरली डेसिमल इक्वल जीरो वन टू थ्री, ये है डेसिमल इक्विवेलेंट का मतलब, अगर इस पोजीशन पे कोई वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ अब अगर इसको एसओपी के टर्म्स में मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए बार बी बार, देखिए इधर इससे पहले सेल के लिए रो साइड में है ए बार, यहाँ ए बार और ऊपर की तरफ बी बार, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार। इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, ए बार एंड यहाँ पे क्या है बी, और ये रो क्या है ए है, तो ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए इंटू बी बार, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी। ये तो एसओपी के लिए, लेकिन पीओएस के लिए क्या होगा प्लस में, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी ए और बी, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगी। सेकेंड सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो में ए और कॉलम में बी बार, तो ए प्लस बी बार। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रो की, तो यहाँ पे ए बार है और कॉलम में बी है, तो यानी कि ए बार प्लस बी। एंड लास्ट में क्योंकि कॉलम भी बार में है, यानी कि ए प्लस बी बार। तो ये आपका हो गया लेबलिंग, कैसे हम इसको लेबल करते हैं वो। उसी तरीके से जब हम थ्री वेरिएबल की तरफ जाएंगे, थ्री वेरिएबल्स में, तो इसी तरीके से हम लोग लेबलिंग करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह। हाँ, मैंने एक ही स्ट्रक्चर लेके चलता हूं, बाकी स्ट्रक्चर आप इजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी ना,
अगर हमें स्ट्रक्चरिंग इसकी लेबलिंग करनी है तो क्या होगा, क्योंकि हमने इधर ए यानी कि एस ओ पी के लिए अगर हम बात करें, एस ओ पी ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, क्योंकि एस ओ पी में जीरो रिप्रेजेंट करता है बार को, वन रिप्रेजेंट करता है विदाउट बार को, है ना। तो इस तरीके से ये ए इधर क्या है, वेरिएबल ए है, तो ये बन जाएगा ए बार, ये हो जाएगा ए, और इधर क्या है ए, इधर बी और सी वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो यानी कि बी बार सी बार, क्योंकि ये बी और सी का बार बन जाएगा, जीरो मतलब बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट सी, और ये वन वन है पहले यहाँ पे, देखो बार बार क्योंकि आदत है हम लोग ऐसे लिखने की, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि पहले क्या आएगा वन वन एंड बाद में आएगा वन जीरो। सो एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा आप लोगों का, और ये हो जाएगा बी इंटू सी क्योंकि दोनों वन है, और ये बी और ये हो जाएगा सी बार। अब जब हम नंबरिंग इसमें काउंट करेंगे, देखना ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है जीरो, जीरो जीरो वन ये जीरो, इधर जीरो वन डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वन, जीरो वन वन इसका इक्विवेलेंट होता है थ्री, और जीरो वन जीरो ये होता है टू। फिर इस तरीके से यहाँ पे आएंगे हम तो ये आ जाएगा वन जीरो जीरो, ये डेसिमल इक्विवेलेंट होता है फोर, वन जीरो वन फाइव, वन 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 सेवन सिक्स। तो इसको याद रखने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप ऐसे याद रखेंगे जीरो वन लास्ट में टू, सबसे लास्ट कॉलम में टू एंड देन थ्री, फोर फाइव लास्ट में सिक्स एंड देन सेवन। ओके, अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू लिखना हो, यानी कि ये इस पहले सेल की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लेट मी चेंज दिस, यानी कि ए बार बी बार सी बार, सेकेंड सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार बी बार सी, थर्ड सेल की वैल्यू ए बार रो में, यहाँ रो है कॉलम बी सी है, तो ए बार बी सी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार बी सी बार। ठीक है, अब इस तरीके सेकेंड के लिए तो इधर रो क्या है ए है, तो ए कॉलम में क्या है बी बार सी बार, इधर क्या है ए बी बार सी, फिर यहाँ पे रो में ए कॉलम में बी सी, तो ए बी सी, रो में ए यानी कि रो वैल्यू ए और कॉलम में बी सी बार, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका थ्री वेरिएबल एस ओ पी का आपका स्ट्रक्चर है लेबलिंग। और इस तरीके से अगर आप फोर वेरिएबल की तरफ जाएंगे, फोर वेरिएबल, तो उस ये लेबलिंग जो हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी फोर वेरिएबल। सो स्ट्रक्चर समझ, स्ट्रक्चर हो गया, लेबलिंग हो गई, तो फोर वेरिएबल में हम लोग अब नंबरिंग यहां पे इसी तरीके से ऑर्डर में होगी, यानी कि ए बी सी डी, और जीरो जीरो जो हम ऑर्डर रखते हैं वो इस तरीके से, तो जीरो 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 वन 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 जीरो, इधर भी जीरो 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 वन 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 जीरो। यहां पे देखिए जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं बार से, तो यहां पे क्या है ए बी, तो यहां पे हो गया ए बार बी बार, ये ए जीरो है यानी कि बार B1, इधर दोनों वन वन है तो ए बी इस वेरिएबल के लिए, और यहाँ पे ए बी बार, इधर आते हैं सी डी, तो दोनों जीरो है यानी कि सी बार डी बार, ये सी बार डी, ये सी डी और ये सी डी बार। अब आते हैं इसकी नंबरिंग, यानी कि इसमें जो डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, तो इसमें देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था वही ऑर्डर यहाँ भी चलेगा, यानी कि जीरो वन लास्ट कॉलम में टू और यहाँ पे आएगा थ्री, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी को भी, इसके बाद फोर फाइव लास्ट कॉलम में सिक्स और यहाँ पे सेवन, फिर अब यहाँ पे थर्ड छोड़ देना है, थर्ड फोर्थ में आना है एट नाइन टेन इलेवन, यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व थर्टीन लास्ट में फोर्टीन और फिफ्टीन। वेरीफाई करने का तरीका, पहला कॉलम, पहला कॉलम एंड फोर्थ कॉलम जो होगा वो इवन होगा, ये और ये इसमें इवन वैल्यूज होंगी, ओके, एंड सेकेंड एंड जो थर्ड होगी उसमें होंगी ऑड वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो ये वेरीफाई करने तरीके, दूसरा ये सबके बीच में यानी कि ये एक रो से दूसरे रो के बीच में चार का डिफरेंस होगा, जीरो फोर यहाँ पे और ये यहाँ पे फोर के बाद लास्ट वाले में एट, एट के बाद ट्वेल्व, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल टू वेरिएबल, लेबलिंग सीख लिया हम लोगों ने। अब हम इसको क्या करेंगे, एक आध सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इसकी वैल्यूज को ये करते हैं, और स्टार्ट करेंगे हम लोग एक ट्रुथ टेबल से, जैसे कि हम लोग जानते हैं नाउ के मैप
solution with using truth table, यानी कि truth table से हम लोग कैसे K-map convert करेंगे और उसको कैसे solve करेंगे। देखिए K-map solution truth table, तो जैसे एक किसी गेट का ही ले लेते हैं तो ताकि आप लोग को आसानी होगी, आपको पता रहेगा। तो मान लो कि हम स्टार्ट करते हैं पहला और गेट से, और गेट, तो और गेट का पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। हमें पता है ट्रूथ टेबल क्या होता है और गेट का, TRUTH ट्रूथ टेबल। ओके, सो ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल में हम वेरिएबल रखते हैं ए बी एंड वाई, यानी कि ए बी दो इनपुट कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई। सो ए जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब यहाँ पे और गेट के लिए जीरो 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 प्लस जीरो हम क्या करते हैं जीरो, यानी कि लो और लो को जीरो, जीरो वन 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 जीरो वन एंड वन वन भी वन। ये हमारा ट्रूथ टेबल है। अब इससे मुझे क्या करना है, क्योंकि दो टू वेरिएबल है, इनपुट टू है कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, इसे मुझे क्या करना है फोर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, सॉरी के मैप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, टू वेरिएबल का के मैप नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे फोर, इनपुट क्या है वेरिएबल ए एंड बी, और ये कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट है। ओके, तो यहाँ जीरो वन, यहाँ भी जीरो वन। एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले भी दो होती है। अच्छा, मैपिंग जब हम करेंगे एसओपी में, तो एसओपी में हम वन को, वन के लिए हम आउटपुट लिखेंगे, वन के लिए आउटपुट लिखेंगे, और जब हम पीओएस करेंगे तो हम पीओएस पीओएस में हम जीरो को मैप करेंगे, जीरो की के लिए हम आउटपुट लिखेंगे। लेट अस सी, जैसे अब हम क्या किए, यहाँ वैल्यू लिख दिया, तो जैसे हमने पिछली बार किया था लेबलिंग, यानी कि जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं एसओपी में बार से, तो ये हो जाएगा बी बार, ये विदाउट बार, और इधर ए वेरिएबल है तो ये ए बार एंड ये विदाउट बार। अब इसकी वैल्यू इसमें कैसे लिखेंगे, लेट अस सी, यहाँ पे क्या है जीरो जीरो, तो जीरो जीरो कहाँ पे आएगा, देखो दो तरीका होता है, एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दें, यानी कि ये हो जाएगा जीरो जीरो का मतलब जीरो, ये हो गया वन, ये टू और थ्री, और हमें पता है कि यहाँ पे जीरो वन टू थ्री इसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पे, यानी कि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दें। देखिए यहाँ पे जीरो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गए जीरो, वन के लिए वैल्यू क्या, वन के सामने वैल्यू क्या है वन, टू के लिए भी है वन और थ्री के लिए भी है वन। दूसरा तरीका यहाँ से जीरो जीरो, तो जीरो जीरो यहाँ पे आएगा, जीरो वन इधर रो में जीरो कॉलम में वन यहाँ पे आएगा, वन जीरो यानी कि रो में वन कॉलम में जीरो, तो वन जीरो यहाँ पे आएगा। और ये आउटपुट की वैल्यू सिर्फ हमें पुट करनी है, यानी कि जो वैल्यू हमें पुट करना है वो सिर्फ इसकी हमें वैल्यू पुट करनी है, वेरिएबल तो हमने यहाँ पे रख ही दिया है। ओके, अब अगर इसी तरीके से सेम चीज हम पीओएस के लिए भी करेंगे, यानी कि पीओ, बस अंतर क्या होगा, इसके जो वेरिएबल्स की मैपिंग है वो अलग हो जाएगी, ए बी और यहाँ पे जीरो वन जीरो वन वन टू थ्री वैल्यू एज इट इज लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जीरो वन वन वन। हाँ, अब इसके जो वेरिएबल्स हैं यानी कि ये क्या हो जाएंगे, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट बार और ये को बार, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, और ये ए विदाउट बार और ये विथ बार। अब मैंने बताया इसके आउटपुट लिखना है किसके लिए, वन के लिए, इसको लिखना है किसके लिए, जीरो के लिए। तो यहाँ पे जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा और यहाँ पे वन के लिए मेरा क्या आउटपुट आएगा उसको हम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वाई, तो मान लेते हैं कि आउटपुट वाई है, वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वैल्यू किसको पहले, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेट अस सी, अब मैं नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर, बाद में हम ग्रुपिंग सीखेंगे, अभी बेसिकली सीखा है, और यहाँ पे एक ही है। तो अब बताइए पहले वाले के लिए, पहले की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी वेरिएबल के टर्म्स में, इधर ए कॉलम में बी बार, तो हो जाएगी ए बी बार फर्स्ट, सेकेंड के लिए बीच में प्लस क्योंकि एसओपी है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सेकेंड टर्म्स के लिए हो जाएगा इधर रो में ए एंड कॉलम में क्या हो जाएगी बी, तो सेकेंड वैल्यू हो गई ए बी। ओके, थर्ड, अब थर्ड की वैल्यू करें तो रो है ए बार एंड कॉलम जो है वो बी है, तो हो जाएगा ए बार बी, ठीक है, यानी कि
ये अब इसमें अब अगर हम देखें तो कॉमन आ सकता है, जैसे मान लो इन दोनों को हम लें फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ए अगर कॉमन ले लिया तो हो गया बी बार प्लस बी और प्लस, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फर्दर ए बार बी, मैं बाद में सिखाऊंगा कि डायरेक्ट बिना सिंप्लीफिकेशन के हम कैसे आंसर लेके आ सकते हैं। तो अब बी बार प्लस बी क्या हो गया वन, और क्या बचा यहाँ पे ए प्लस ए बार बी, और आपको याद होगा ए प्लस ए बार की बी की वैल्यू कितनी होती है ए बी, यानी कि ए प्लस बी के बराबर। तो ये हमारा क्या आ गया और गेट का। अब आते हैं पीओएस के लिए, तो पीओएस की वैल्यू लिखना शुरू करते हैं जीरो, ये है। तो इधर क्या है ए, और रो में ए है और कॉलम में क्या है बी, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक ही बार में आंसर आ गया इसका, यानी कि दोनों की वैल्यू आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक ही आएगी। अंतर क्या होगा कि एक सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में आएगा, एक प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म्स में आएगा, अंडरस्टैंड। तो अभी हमने ग्रुपिंग नहीं सीखा है, हमने सिर्फ सॉल्यूशन करना सीखा है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इसी तरीके से कि मैप सिंप्लीफिकेशन हमने सीखा। अब जो हमने सिंप्लीफाई किया, जिसके लिए हमने क्या करना पड़ा, हमें इसको सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ा, यानी कि उसको अलग से वैल्यू बूलियन अलजेब्रा लगाना पड़ा, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, उसको हम लोग सीखेंगे इस मेथड के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो व्हाट इज ग्रुपिंग, यहां पे डालते हैं हेडिंग में ग्रुपिंग, ग्रुपिंग इन के मैप। तो ग्रुपिंग किसे कहते हैं और ग्रुपिंग से हमें क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रुपिंग जो होता है वो किसी भी के मैप को सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि उसमें हमें बाद में के मैप को सॉल्व करने के बाद, जैसे हम सॉल्व करके आउटपुट लिखेंगे तो हमें फुल उसमें बुलियन अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ग्रुपिंग में हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, पहला फर्स्ट इन के मैप, के मैप सेम एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल्स विद सेम वैल्यू, यहां पे लिखे एडजेसेंट सेल्स विद सेम वैल्यू कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। एडजेसेंट सेल यानी कि अगल बगल के जो सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स विथ सेम वैल्यू, सेम वैल्यूज का मतलब या तो जीरो होगा या वन होगा, यानी कि आइदर वंस और जीरोज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर, ग्रुप्ड टुगेदर। नाउ अब ये सेकेंड मैं दिखाऊंगा इसका एग्जाम्पल भी, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। तो ग्रुप्ड को जी आर ओ लिखने दीजिए मुझे फिर से, ग्रुप्ड टुगेदर। नाउ अब इसमें क्या है, लेकिन इन केस ऑफ एस ओ पी सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में, यानी कि मीन टर्म्स के केस में, ओके सेल्स विथ यानी कि एडजेसेंट सेल्स विथ, वी कैन राइट एडजेसेंट सेल्स विथ वैल्यू वन विल बी कंबाइंड टुगेदर, यानी कि एडजेसेंट सेल्स विथ वन वैल्यू विल बी ग्रुप्ड टुगेदर। नाउ थर्ड, सिमिलरली इन केस ऑफ पीओएस एडजेसेंट सेल विथ जीरोज वैल्यू, क्योंकि पीओएस में क्या है, जीरो को हम ग्रुप करते हैं, जीरो के लिए हम आउटपुट लिखते हैं, एडजेसेंट सेल्स विथ जीरो वैल्यू will be grouped together। कैसे करेंगे हम देखेंगे एक बार एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, चौथा, अब लेकिन एडजेसेंट सेल तो ठीक है अगल बगल सेल, लेकिन डायगोनल सेल विल नेवर बी ग्रुप्ड, डायगोनल सेल्स विल नेवर बी ग्रुप्ड, कभी भी डायगोनल सेल की ग्रुपिंग नहीं होगी। ग्रुपिंग का जो ये होगा वो हमेशा द नंबर ऑफ सेल्स इन ग्रुपिंग विल बी
कितना होगा 2 टू द पावर n के ऊपर, यानी कि या तो ये होगा 0 सॉरी 1 तो सिंगल हो गया तो ग्रुप का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से, तो या तो होगा 1 या 2 या 4 या 8 या इस तरीके से बढ़ते जाएगा, जहां पे कि अगर 2 की जो होती है उसको हम लोग पेयर बोलते हैं, 2 का ग्रुप को अगर आपने ग्रुप किया, दो सेल्स को ग्रुप किया, 2 सेल्स अगर है तो उसको हम पेयर बोलते हैं, अगर 4 सेल्स है उसको हम क्वाड बोलते हैं, क्वाड, अगर 8 सेल्स को आपने ग्रुप किया तो ये क्या होता है, ऑक्टेट कहलाता है, ऑक्टेट। ओके, ये है बेसिक ग्रुपिंग का रूल। जैसे एग्जांपल के लिए एक और इसमें है ऑप्शंस में 6 नंबर में कि द फर्स्ट एंड लास्ट सेल्स विथ सिमिलर वैल्यू, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट सेल्स विथ सिमिलर वैल्यू, विथ सेम वैल्यूज या सिमिलर वैल्यू कैन बी ग्रुप्ड टूगेदर, ग्रुप्ड टूगेदर। और नाउ अब ग्रुपिंग का कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर ग्रुपिंग, क्या कैसे भी कुछ भी ग्रुप कर देंगे। लेट अस सी, पहला फर्स्ट चेक, ओके, मेक, यहां पे ध्यान देना, मेक मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मेक मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप यानी कम से कम ग्रुप बनाइए, ग्रुप्स विथ मैक्सिमम सेल्स यानी कि मैक्सिमम सेल्स यानी कि ग्रुपिंग। ओके, यानी कि ग्रुप जो है सेल्स का जो ग्रुपिंग है वो ज्यादा से ज्यादा का रखना है लेकिन कम से कम का ग्रुप बनाना है। सेकंड स्टेप टू मेक लार्ज ग्रुपिंग, या कह सकते हो बिगर ग्रुप सेल्स कैन बी रीयूज्ड, यानी कि पहले अगर आपने उसकी ग्रुपिंग कर दी है तब भी आप उसको यूज कर सकते हो, अगर उसका यूज करके बड़ा ग्रुप बन रहा है तो। कैसे, ये सब कुछ हम लोग ये मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान पर रहेगा, कैन बी रीयूज्ड। अब स्टार्ट ही करते हैं बिना ये किए हुए, और इसको नाउ सो क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई नॉर गेट यूजिंग के मैप। तो के मैप का यूज करते हुए तो इसमें दो चीजें होंगी कि इसको हम ट्रूथ टेबल को वापस के मैप में कन्वर्ट भी करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है तो 2x2 का बनेगा, 2x2 यानी कि 2 सेल्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ए बी इनपुट वेरिएबल है 0, 1, 0, 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि ये यहाँ पे 0, 0 की वैल्यू, 0, 0 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पुट कर देंगे, 0, 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, यानी कि ये सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट यहाँ, अभी मैं चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, ये वैल्यू यहाँ पे, ये 1, ये वैल्यू यहाँ पे, और फिर ये वैल्यू यहाँ पे, दिस वन, एंड फोर्थ वैल्यू दिस वन विल बी, क्योंकि ये 0, 0 के लिए, 0, 1 के लिए, 1, 0 के लिए, 1, 1 के लिए, तो मतलब ज्यादा ये ना हो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है ये हमने यहाँ पे पुट की। नाउ अब ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि हम एसओपी के लिए कर रहे हैं, तो एसओपी के लिए मुझे 1 की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि 1 अगर ग्रुप कर सके तो। ओके, लेट अस सी, ये हो जाएगा बी 0 के लिए बार और विदाउट बार, ये ए के लिए बार एंड दिस इज विदाउट बार। लेट अस सी हियर, क्या दो एडजेसेंट सेल्स आपको दिख रहे हैं आसपास जिसमें कि सेम वैल्यू है? यस, वी कैन सी दैट दिस टू सेल्स कैन बी ग्रुप्ड, यानी कि आपस में हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो इसको हमने मान लिया कि ग्रुप नंबर 1। ओके, अब इससे बड़ा सेल नहीं बन सकता, 4 का नहीं बन सकता, बिकॉज
तीन का नहीं बना सकते, आपको पहले पता है कि मैं तीन का नहीं बना सकते, 0, 1, 2, 4, 8 ऐसे चलेगा। ओके, सेकेंड जो ग्रुप हम बना सकते हैं वो है इसका, लेकिन ये सिंगल। अब देखो यहाँ पे सेकेंड कॉन्सेप्ट आया कि अगर आपको ग्रुपिंग बनाने के लिए दूसरे किसी सेल का रियूज करना है, यानी कि इस्तेमाल करना है, यानी कि मुझे बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, बड़ा से बड़ा ग्रुप। अब अगर इसको दो नहीं बनाता तो भी दो ग्रुप बनते, एक दो का और ये एक सिंगल। तो हमने क्या करना है, ग्रुप को बड़ा से बड़ा रखना है। तो इसके लिए हम दूसरे जो ऑलरेडी यूज हो चुका है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। दो का दो बड़े बड़े ग्रुप बने। नाउ अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी बिना, दो दो तरीके से मैं वैल्यू लिखूंगा, ध्यान देना आप लोग। पहला वैल्यू बिना ग्रुपिंग के, यानी कि बिना ग्रुपिंग के वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूं, इसके बाद ग्रुप के वैल्यू लिखूंगा बिना ग्रुपिंग के, ग्रुपिंग के बिना वैल्यू, और फिर हम ग्रुप करके कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बिना ग्रुपिंग की अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं तो इसके लिए पहले वाले के लिए वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पे a बार b बार प्लस, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी सेकेंड वन के लिए, इधर है रो में a बार कॉलम में b, यानी कि a बार b, और इधर यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो a और उधर b बार, a और b बार, सी द कॉमन। इन दोनों में पहले में क्या हो गया, ए बार कॉमन हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बार प्लस बी और प्लस ए बी बार। हमें पता है कि जो बी बार की जो वैल्यू होती है, बी बार की जो वैल्यू, बी प्लस बी बार की वैल्यू वो वन के बराबर होती है, क्या हो गया ए बार प्लस ए बी बार। ओके, बुलियन अलजेब्रा से हमें पता है कि ए बार प्लस ए बी बार जो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। इसको हम लोग पिछले क्लासेस में प्रूव भी कर चुके हैं, यानी कि वाई की जो वैल्यू आ रही है, वाई की वैल्यू ए बार प्लस बी बार, और अगर इसमें मैं डिमॉर्गन थ्योरम लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का होल बार फ्रॉम डिमॉर्गन थ्योरम। क्लियर है? तो ये क्या आ गया, नॉर गेट थ्योरम, नॉर गेट का आउटपुट आ गया। ये तो हो गया बिना ग्रुपिंग के, क्यों हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, अब यहाँ पे दिखनेगा। हमें यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा लगाना पड़ा और मुझे ग्रुपिंग नहीं किया तब। अब हम जैसे ग्रुपिंग आपको सिखाया था कि इन दोनों को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं ग्रुप नंबर वन, और इन दोनों को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं ग्रुप नंबर टू, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बिना बुलियन अलजेब्रा का यूज किए हुए। लेट अस सी हियर व्हाई। पहले आते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए, तो सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट ग्रुप के रो कौन से रो में है। अब देखिए ये a बार, यानी कि a बार इसमें भी है, a बार इसमें भी है, तो y की वैल्यू हो जाएगी a बार पहले, और कॉलम की तरफ जाएंगे तो ये कॉलम दोनों कॉलम में है, यानी कि पहले यहाँ पे b बार और b, तो क्या b बार एंड b में से कुछ भी कॉमन हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे b है तो इसलिए दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू सिर्फ हो जाएगी a बार। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यानी कि येलो कलर फर्स्ट, जो पहली जो वैल्यू होगी, यानी कि ये फर्स्ट एक रो में है, ये रो ए बार पहले, यानी कि ये पूरे रो में ये दोनों वैल्यू है, यानी कि ए बार दोनों में कॉमन है। सिंपल वर्ड में कहें, यहां से देखिए ए बार दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ हम यहाँ पे ए बार रखेंगे, और दोनों ये जो वैल्यू है, यानी कि ये वन वन, ये बी बार एंड बी में है, तो इसलिए दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज ए बार रखेंगे। अब चलिए देखते हैं सेकेंड के लिए, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड। अब सेकेंड अगर हम चेक करें तो सेकेंड की जो वैल्यू है वो एक कॉलम में है, बी बार है ना, बी बार कॉलम में है। लेट अस सी हियर, यानी कि कॉलम जो है वो बी बार है, लेकिन रो, ये पहला रो और दूसरा रो दोनों में इसकी वैल्यू है, देख सकते हैं ये, तो बी दोनों रो में से हमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हम एज इट इज रखेंगे, यानी कि सेकेंड वैल्यू बी बार। यानी कि आपका आंसर क्या आया, ए बार प्लस बी बार, जो कि इनडायरेक्टली डी मॉर्गन थ्योरम से क्या वैल्यू आ रही है, a डॉट b का बार के बराबर, यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे जो है वो बच गया बट ग्रुपिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर टू। अगर आपको XOR गेट को, यानी कि XOR गेट को सिंप्लीफाई करना है, XOR गेट, लेट अस टेक द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल हमें पता है कि इसमें भी दो वेरिएबल लेते हैं ए बी, बाद में हम थोड़ा थ्री वेरिएबल की तरफ जाएंगे, ए बी एंड वाई, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखते हैं यहाँ पे एक्सोर गेट के लिए। तो हमें पता है कि लो के लिए लो हो जाता है, और जो दोनों वैल्यू सेम होती है तो लो, एंड अपोजिट वैल्यू के लिए यहाँ पे वन आता है, ये हमारा है एक्सोर गेट का।
अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके कैसे हम के बनाए, मतलब के मैप बनाएंगे। तो एस ओ पी हम लोग कर रहे हैं 0 1 0 1 ए बी, दिस आर द वेरिएबल। तो हम बी के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी बार इधर और ये बी, और ए के कॉरस्पॉन्डिंग 0 के लिए ए बार और 1 के लिए ए। नाउ अब हमें वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट मैं दिखा दूं, ये पहली वैल्यू फर्स्ट सेल में, दूसरी वैल्यू दूसरे सेल में, तीसरी वैल्यू तीसरे सेल में, चौथी वैल्यू चौथे सेल में। ओके, तो इन सबको हटा के ताकि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 0 पहले सेल में, 1 दूसरे सेल में, ये 1 तीसरे सेल में और ये 0 चौथे सेल में। अब क्या यहाँ पे हम ग्रुप कर सकते हैं या नहीं? अब देखिए, दो 1 वैल्यू है, एडजेसेंट सेल्स भी हैं, लेकिन डायगोनल है, डायगोनल विल नेवर बी ग्रुप्ड टुगेदर। इसलिए यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं ग्रुपिंग नहीं कर सकता हूँ। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वाई। ये यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले के लिखते हैं, तो पहला फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि ए बार बी प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में, और ये हो गया सेकेंड, पहला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि ए बी बार। क्या ये एग्जॉर गेट का आउटपुट आता है इस तरीके से? अब यहीं पे मैं आप लोगों को POS का दिखाऊंगा, POS का, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए कि POS से कैसे हम आउटपुट लेके आते हैं। तो ये हो गया ए बी 0 1 0 1, सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, हमें कोई चेंजेस नहीं होगी वैल्यूज में, यानी कि यहाँ पे 0 1 1 0। अब ये 0 जो क्या बन जाएगा, ये b और ये बन जाएगा b बार, ये a और ये हो जाएगा a बार। क्यों? POS के लिए, POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए। अब यहाँ पे जो मुझे ग्रुपिंग करनी है, यानी कि जो यहाँ पे जिसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखना है, वो 0 के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, रो में a है क्योंकि प्लस के टर्म में लिखते हैं यहाँ पे, a प्लस बी यानी कि सम लिख लिया इनटू अ प्रोडक्ट आते हैं। सेकेंड वैल्यू a बार, रो में a बार, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम a बार प्लस b बार। नाउ यू कैन आस्क कि ये वैल्यू तो अलग है और ये वैल्यू अलग है, क्योंकि ये प्रोडक्ट, अब इस वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं डुअलिटी प्रिंसिपल से, सॉरी डी मॉर्गन थ्योरम या कुछ और लगा के, तो ये इतना ही आएगा, या इसको इस एसओपी से ये जो हमें आउटपुट आया है इससे मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं इस वैल्यू में। तब क्या कीजिए, सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ए को ए बार से, यानी कि ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार। हम जानते हैं कि ए इंटू ए बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट 0 और b into b का कॉम्प्लीमेंट 0, क्या बचा, सो y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार b। क्या ये भी XOR के बराबर आ रहा है, यानी कि SOP and POS सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट सेम आएगा, यही है कि ये प्रोडक्ट अब सम के तौर पे आएगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट के तौर पे आएगा। व्हाट माय पॉइंट, तो दिस इज टू वेरिएबल के मैप, या के मैप क्या होता है, के मैप का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, और हमने अभी आज इस क्लास में लेबलिंग करना, ग्रुपिंग करना, टू वेरिएबल तक का हमने पढ़ा। आगे आने वाली क्लासेस में हम ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे थ्री वेरिएबल्स के, फोर वेरिएबल्स के, और इस तरीके से, और कुछ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस को भी हम चेक करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए अगर किसी को भी इस टॉपिक से डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे मेल करके भी पूछ